हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे मोबाइल से किसी भी फोटो में DSLR वाले ब्लर एडिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एडिटिंग। तो सबसे पहले फोटो को स्नैपशीट पे ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो पेंसिल वाला बटन है इसको क्लिक कर लेना है और लेंस ब्लर वाले बटन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसे ट्रांजिशन 0 कर लेना है और विग्नेट स्ट्रेंथ को 0 कर लेना है। देन आपको डबल एक्सपोजर बटन को क्लिक कर लेना है और दोबारा उस फोटो को गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो वाटर ड्रॉप वाला बटन है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको पूरा फुल कर देना है। देन व्यू एडिट पे क्लिक करें और डबल एक्सपोजर टैब पे पेंट वाला बटन पे क्लिक करना है। देन डबल एक्सपोजर को 100 पर रख के सब्जेक्ट का ब्लर पोर्शन रिमूव करें। अब आपको बहुत ही डिटेलिंग के साथ इसको रिमूव करना है। इस एडिट वाला फोटो को सेव कर लीजिए। तो ये हमारा पहले वाला फोटो था, अब एडिट के ये बाद वाला फोटो। तो इस फोटो को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे हम लाइटरूम से कलर एडिट करेंगे। तो ये हमारा फोटो अब लाइटरूम पे ओपन हो चुका है। देन रेड कलर का हुए 27 और सैचुरेशन 27 कर लेना है। उसके बाद ऑरेंज का हुए -36 करना है और सैचुरेशन को 42 कर लेना है। अब येलो का हुए -68 करना है और सैचुरेशन को 81 कर लेना है। अब एक्वा कलर पे हुए 38 और सैचुरेशन को 43 कर लेना है। अब पर्पल का हुए -30 और सैचुरेशन को 23 कर लेना है। और आखिर में पिंक कलर पे हुए -50 कर लेना है और सैचुरेशन को 48 कर लेना है।
उसके बाद ये वाला बटन को क्लिक कीजिए और स्काई वाला एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। देन थोड़ा एक्सपोजर घटाइए और व्हाइट को भी थोड़ा कम कर लीजिए। देन कलर को ब्लू पोर्शन तक ड्रैग करें और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाइए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।